वेल अक्सर पूनम पांडे की कुछ लव्स जो है वो ऐसे भारी पड़ जाते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तहलका सा मच जाता है। अब एक बार फिर से रियलिटी शो में एंट्री लेने के बाद कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि साल 2011 में भी कही थी। आखिरकार क्या है पूरा मात्रा, चलिए आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो पर। वेल आपको बता दूं कि साल 2011 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस समय पर पूनम पांडे ने दरअसल कैमरा पर आकर अपने मोबाइल पर लाइव आकर इस बात की ऐलान कर दिया था कि अगर भारत ये मैच यानी कि भारत अगर वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो वो अपने कपड़े जो है वो उतार देंगी। खैर, लेकिन इसके बाद जब भारत वर्ल्ड कप जीत गया और उसके बाद इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो उन्होंने जिस पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये बात कह दी थी, अब एक बार फिर से उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट कर दिया है और कह दिया है लॉकअप के अंदर अगर उनको चार्जशीट से बचा लिया गया तो वो एक बार फिर से ऐसे ही कुछ करने को कह रही हैं। जी हाँ, पर आपको बता दूं कि लॉकअप में चार्जशीट होती है। चार्जशीट यानी कि आपको नॉमिनेशन से एक तरह से बचना होता है। तो दरअसल कुछ कंटेस्टेंट मिलके बात करते जहाँ पे पूनम भी शामिल थी और पूनम के साथ में बातचीत करते वक्त में अचानक से पूनम पांडे जो है वो कैमरे की तरफ आती हैं और कैमरे की तरफ आकर ऐलान करती हैं इस बात का कि अगर उनको चार्जशीट से बचाया जाएगा तो वो अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज कुछ लेकर आएंगी। लेकिन आखिरकार वो सरप्राइज में क्या करेंगी, इस बात को जब पूछा गया कहा गया तो आपको बता दूं यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चार्जशीट से बचाया गया तो वो लाइव कैमरा पर अपनी टी शर्ट उतार देंगी। जी हाँ, आपको बता दूं यहाँ पर जैसे ही बाकी सभी कंटेस्टेंट ने इस बात को सुना सबके सब पूनम पांडे को देखकर चुप रह गए और पूनम पांडे जो है वहां पर जोर से हंसने लगी। वेल ऐसे में एक रियलिटी शो में इस तरीके की बातें जो है वो कहना, इस तरीके की बातों को कहना और फिर इस तरीके की चीजों का होना, क्या ये हदें पार नहीं है? वेल, क्या कंगना रनावत के लॉकअप में होंगी सारी हदें पार? क्या सच में पूनम पांडे अगर चार्जशीट से बच जाती हैं तो करेंगी अपने आप को टॉपलेस? वेल, आप लोगों का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बात पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहें सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ फिल्म विंडो पर।